चैन से सोने भी नहीं देते। रज ने पता नहीं कहां चले जाते दोनों के दोनों। सुबह सुबह खुशबू तो बहुत अच्छी है, अंदर ना जाने क्या रखा होगा। पिताजी को फोन करके बुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें टेंशन मत दो। लेकिन प्रेम साहब, वो घर में घुस गया और हमें पता भी नहीं चला। वो जरूर कोई खतरनाक आदमी है मैम साहब। जी हाँ, जिस तरह से कमरे में घुसकर उसने आपके बाल काटे, वो तो कुछ भी कर सकता था। मैम साहब, ऐसे में हमें CID को बुलाना चाहिए। तो तुम कहती हो कि कल रात किसी ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बाल काट दिए और फिर यही बाल इस बॉक्स में भेज दिए। सर, दरवाजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ताले के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सर, सारी खिड़की अंदर से अच्छी तरह से बंद है। क्या घर में आने का कोई दूसरा रास्ता भी है? नहीं, बस यही एक दरवाजा है। कमाल, तो फिर जो भी कोई है घर में आया कैसे? तुम बॉडीगार्ड हो? जी। कराटे मारता है? जी। मतलब सोते समय आवाज आती है नाक से या कान से? हाँ, बॉडीगार्ड का मतलब पता है? घोड़े बेच के सोते रहते हो? हाँ सर, मुझे पता ही नहीं चला कब आग लग गई। वो कैसे अंदर आया मुझे पता ही नहीं चला सर। और तुमने? तुमने भी कुछ नहीं देखा, कुछ पता नहीं चला तुमको? नहीं नहीं। ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। सर, कहीं आत्मा का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं फ्रेंड्स, कोई आत्मा नहीं है। क्या आत्मा कैंची पकड़ सकती है? सर, मेरी ग्रैंड मदर को रोज आत्मा दिखती थी सर। जो बाल करती थी, रात को आती थी और जोर से हंसती थी। अरे बाल तो नहीं काटती थी ना? नहीं सर। हाँ तो भी ठीक है भाई। तो मानसी, आपको ये बॉडीगार्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ी है? अभिजीत, मोनू की डैडी ने कहा है कि बॉडीगार्ड रखना जरूरी है। मोनू? हाँ मोनू, तुम्हारा ही नाम मोनू है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मानसी, ये जो तुम्हारे डैडी है ना, रिटायर्ड ऑफिसर देव प्रकाश, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो फिर इनके डैडी को फौरन इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्यों? अगर उन्हें पता चला कि ये सब हुआ है तो मुझे फिर से उनके साथ उनके घर पे रहना पड़ेगा। क्या मतलब? आप तो मेरे डैड को जानते हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के हैं वो। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं यहाँ अकेली रहूं, इसलिए हमारा झगड़ा भी हुआ है इस बात पर। और पिछले 2 महीनों से मैंने उनसे बात नहीं की है। देखो मानसी, एक बहुत सीरियस मामला है और बाप बेटी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन जिसने भी ये किया है शायद वो ये दिखाना चाहता है कि वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। जान ले सकता है? या फिर वो तुम्हारे डैडी से बदला लेना चाहता होगा। कैसा बदला सर? वो अभिजीत, मैं चलो मानसी तुम्हारा सामान पैक करो, हमारे साथ चलो, तुम्हें अपने डैडी के साथ ही रहना होगा। लेकिन मेरी बात मानो मानसी, अपना सामान पैक करो, चलो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। साहब अंदर है? जी सर, कमिश्नर साहब अंदर है। ओके एक मिनट आने दो इन्हें। पहचानते नहीं हो क्या? अरे प्रद्युमन, तुम अचानक यहाँ? हाँ देव, बात ही कुछ ऐसी है इसलिए बिना बताए आना पड़ा। लेकिन बात क्या है? पापा, I'm sorry पापा, मुझे माफ कर दो पापा प्लीज। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो देव, मानसी की जान को खतरा है। कल रात को इसके कमरे में घुसकर उसने इसके बाल काट दिए। क्या? जी हाँ, मैं तुमसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है गार्ड्स, आप लोग बाहर जाइए। हाँ बोलो। देव, मुझे तुम्हारे नए मिशन के बारे में पता है। हाँ, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने। हाँ, तो मुझे लगता है कि मानसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद तुम्हारी इस नई ड्यूटी की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मानसी आज से तुम्हारे साथ ही रहे तो बेहतर है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, कहीं मानसी को कुछ हो ना जाए। अभिजीत, आगे से ऐसे केस अगर मेरी लैब में लेकर आए ना तुम लोग तो। अरे सर, आप तो बिना बात के उखड़े चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिना बात के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले केस में मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर के जो मजाक उड़ाया ना तुम लोगों ने, मैं अभी तक भूला नहीं उसको। देखिए, हमें तो पता भी नहीं था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो तो जब यहाँ लैब में आए तो पता चला कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। क्या करें, अपनों ने धोखा दे दिया ना। सर, इस बॉक्स पे जितने भी उंगलियों के निशान है सब मानसी के ही है। सुन लिया सर, मानसी ने अगर इस बॉक्स को हाथ लगाया है तो उसी की उंगलियों के निशान मिलने चाहिए ना। क्यों, जिसने बाल काट कर इस बॉक्स में रखे उसकी उंगलियां नहीं है? हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहन रखे हों। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतने खूबसूरत बाल किसी ने आखिर काटे क्यों? सर उनके बाल बाल की बात छोड़ दे, देखो घर में किसी दूसरे आदमी के घुसने का एक भी निशान नहीं है। वो जो भी कोई था वो शायद पहले से ही घर के अंदर छुप कर बैठा होगा। जैसे मानसी सो गई उसने उसके बाल काट दिए, फिर इस बॉक्स में भरकर ये बॉक्स वो दरवाजे पर छोड़ के गया। बस मैंने अभी अभी इन लोगों को बता दिया है कि बाल वाले केस आइंदा मेरी लैब में लाने की जरूरत नहीं है। क्या इसकी आग अभी तक शांत नहीं हुई क्या? सर हो रही थी मगर आप आ गए। अरे मैंने सर, बॉक्स के अंदर भी मानसी की उंगलियों के निशान है। जी हाँ, बॉक्स के अंदर भी मानसी की उंगलियों के निशान है और बॉक्स के ऊपर भी मानसी की उंगलियों के निशान है। और इस सेलोटेप पर? सर आपको जान के शौक लगेगा कि सेलोटेप पे भी मानसी की उंगलियों का निशान है। जी। अरे देखो, जब भी कोई टेप लगाता है तो टेप लगाने वाले की उंगलियों के निशान वहां रह ही जाते हैं। मतलब बॉक्स बंद करके उस पर टेप लगाने वाली भी मानसी ही है। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है मानसी ने अपने बाल खुद ही काटे हैं? जी हाँ, इसीलिए तो ज्यादा दुख हो रहा है, इतने खूबसूरत बाल आखिर उसने काटे ही क्यों? सर, इतना सारा हंगामा किया है मानसी ने तो ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ,
और शायद इसीलिए उसके डैडी नहीं चाहते कि वो अकेली रहे। सर मुझे लगता है ये सब बातें उसके डैडी को बता देनी चाहिए। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। देव कैसे हो? एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। अच्छा सुन, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या मिल सकते हैं? ओके थैंक्स। थैंक यू। समझ में नहीं आता ये आया कैसे। नहीं हमेशा तो वक्त पे आता है। उठाओ यार फोन उठाओ। देव, देव मैं प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ एसीपी प्रद्युमन, प्रद्युमन देव, देव। अरे फोन कट कर दिया। फोन उठा क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? हाँ अभिजीत। दरवाजा खोल लेना, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे घर में थे तो दरवाजा खोला क्यों नहीं? साहब साहब मैं तो आ ही रहा था साहब। ये देव प्रकाश जी और मानसी कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए सर थोड़ी देर पहले। कहाँ गए? सर वो तो खंडाला चले गए। ये खंडाला गए क्यों? पता नहीं सर। लेकिन ये अचानक क्यों चले गए? कुछ तो बताया होगा तुम्हें। सर एक फोन आया था, उन्होंने फोन पर बात की, बक्से में सामान रखा और तुरंत निकल गए। अरे कुछ तो बताया होगा, खंडाला में कहाँ जा रहे हैं? कोई पता होता बताया उन्होंने? हाँ सर उन्होंने एक पता दिया था। उन्होंने बोला कि एसीपी साहब आए तो उनको ये पता दे देना। मन शांति रिसोर्ट रंधारे रोड खंडाला। अभिजीत जल्दी से खंडाला जाकर इस पते पर देखो, देखो ये लोग वहां पर क्यों चुके हैं। देवप्रकाश जी ने खंडाला का एड्रेस तो दे दिया पर वो अपना फोन उठा क्यों नहीं रहे? सवाल है, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने नाम सुना, किसी को भी एड्रेस नहीं मांगा। तो ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में जाकर किसी का एड्रेस सुन रहे हैं। नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है। उस बॉडीगार्ड ने यही का एड्रेस दिया था ना? क्यों यही रोड बताया था ना? अरे एक पोस्टमैन पर। अरे ओ ओ एक मिनट। क्या बात है? ये मन शांति रिसोर्ट रंधारे रोड कहाँ पे है? ये जगह तो कोई भी नहीं है खंडाला में। ऐसे कैसे हो सकता है? एड्रेस यहाँ है नहीं? नहीं ये नाम मैंने पहली बार सुना है। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर पोस्टमैन हूँ। 20 साल से यहाँ पे? अरे 20 साल में लोगों को गली के हर कुत्ते तक का नाम याद हो जाता है, समझे? जी मुझे याद है। हाँ बताऊँ? बताओ। इस जगह पे 3 कुत्ते रहते हैं, मोती रोटी और गोटी। हाँ गोटी काले रंग का और वो हमेशा मोटे लोगों को काटता है। सर मैं जरा गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। और कुछ नहीं, थैंक यू। बॉडीगार्ड ने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? पूछो भी मत, तोड़ दो ताले को। एक ताले को संभाल के रखो, हो सकता है उस पर किसी की उंगलियों के निशान। Thank you.
साह से बात हो रही थी उस वक्त उनके किसी के साथ हाथापाई हुई और ये फोन यहां गिर गया। हाथापाई हुई और खून, पता नहीं उन दोनों में से किसका खून है ये। सर जूते का निशान, सर ये किसी लड़की के जूते के निशान लग रहे हैं सर। हाँ लगता तो वैसे ही है सर। मुझे लगता है कि ये जो बॉडीगार्ड है सुमित, उसी ने ये सब गड़बड़ की है सर। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, उसने हमें गुमराह करने के लिए खंडाला वाली कहानी सुनाई और जब तुम लोग खंडाला में जाकर पता ढूंढ रहे थे उस वक्त उसने अपना काम कर दिया। सर हो सकता है बाहर जाते वक्त दरवाजे पे ताला उसी ने लगाया हो, शायद हमें ताले पे से उसकी उंगलियों के निशान मिल जाए। क्या लॉक पर से कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ सर एक निशान मिला तो है। ये जरूर उसी बॉडीगार्ड सुमित का ही होगा। नहीं नहीं अभिजीत, वो निशान उस बॉडीगार्ड सुमित का नहीं है। फिर क्या हुआ, कोई झटका देने वाली खबर है क्या? जी सर खबर तो बिल्कुल हिला देने वाली है। क्या किसी खतरनाक आतंकवादी के फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं आतंकवादी के निशान तो नहीं है लेकिन ताले पर मानसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। लग गया झटका सर, यानी कि मानसी सुमित से मिली हुई है। सर एक बेटी अपने बाप को नुकसान पहुंचाएगी क्या? तो मानसी ने अपने खुद के बाल काटे और फिर वो बाल एक बॉक्स में रखकर वो बॉक्स अपने आप को भेज दिया और फिर अपने बाप पर हमला करके उसका ही किडनैप करवा दिया। ये नहीं हो सकता सर, एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसा करेगी? ये बात तो है, मुझे लगता है ये सब सुमित ने किया है या फिर सुमित ने मानसी से करवाया है। जब हम लोग दरवाजे पे सुमित से बात कर रहे थे तो शायद उस वक्त उसने उन दोनों को अंदर बांध के रखा होगा और हमको बोल दिया कि वो लोग खंडाला चले गए। एक काम करो अभिजीत, देव के पड़ोसियों से मिलो, शायद कुछ पता चल गया है। ये जो मानसी तुम्हारे पड़ोस में रहती है, काफी अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी? जी। उनका उनके डैडी के साथ झगड़ा हुआ था ना? झगड़ा? हाँ तुम्हें तो मालूम ही होगा, वो अलग रहना चाहती थी और उनके पिताजी देव प्रकाश साहब उन्हें ये बात पसंद नहीं थी और इस वजह से उनके बीच में झगड़ा हुआ था। मानसी और देव अंकल का तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि देव अंकल ने आज तक कभी मानसी को किसी भी चीज के लिए मना ही नहीं किया। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मानसी अगर अकेले भी रहना चाहती तो देव अंकल उसे मना नहीं करते? कभी नहीं। मानसी ने उसे झूठ बोला है। पर सर बात क्या है? देखो बात ये है कि देव और मानसी दोनों को किसी ने किडनैप किया है। What? किडनैप? पर ये सब हुआ कैसे? कुछ दिन पहले कोई मानसी के बेडरूम में घुसा और उसने उसके बाल काट दिए और फिर वही बाल उसे वापस भेज दिया एक बॉक्स में रख के। क्या? जी हाँ काफी लंबे बाल थे उसके। पर मानसी के बाल तो लंबे थे ही नहीं। दे सर थोड़ा फोटो दिखाओ। ये मानसी? नहीं ये मानसी नहीं। ये मानसी नहीं है? नहीं सर एक ये मानसी नहीं है तो असली मानसी है कौन? ये है मानसी। मतलब है वो लड़की असली मानसी नहीं नकली मानसी। तो उस लड़की की हिम्मत तो देखिए,
हमारे सामने भी मानसी बन के घूम रही है। वो बाल कटना, वो धमकी के बारे में बताना, ये सारा नाटक एक सोचा समझा हुआ प्लान है सर। एक अच्छी तरह से सोचा समझा हुआ नाटक है। और ये सब देव प्रकाश तक पहुंचने के लिए। उसे पता था कि खतरे में देखकर हम उसे देव प्रकाश के पास ले जाएंगे। देव प्रकाश के घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है। उसे मालूम था वो सिक्योरिटी के बीच से खुद तो नहीं पहुंच सकती देव प्रकाश के घर तक। अभिजीत, हमारी वजह से देव प्रकाश की जान को खतरा हो गया है। सर, अब चक्कर ये है कि असली मानसी इस वक्त कहाँ होगी? दया, ये दोनों की दोनों मानसी को ढूंढना होगा, असली भी और नकली भी। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे उनका असली नाम नहीं पता है, मुझे मानसी ही पता है। कब से काम कर रही हो तुम उसके साथ में? 2 महीने से। अच्छा, कभी उसे किसी और मानसी के बारे में बोलते हुए सुना क्या? नहीं। और वो बॉडीगार्ड सुमित, वो दोनों आपस में बात क्या करते थे? मेरे सामने तो कभी नहीं की। अच्छी एक्टिंग की दोनों ने। यहाँ पर कहाँ से फोन आए कुछ पता चला? पता लग गया सर, पिछले 2 महीने में एक भी फोन ना आया है ना यहाँ से किया गया है। एक भी फोन नहीं? साहब, मैम साहब अपने मोबाइल से ही फोन किया करती थी। उनका मोबाइल नंबर मालूम है तुमको? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी मैम साहब बाहर किसी से तो मिलती होगी? वो घर से बाहर कब कब जाया करती थी? गुरुवार को बाहर जाया करती थी वो, हर गुरुवार को। हर गुरुवार को कहाँ पर? अरे कुछ तो मालूम होगा, कहाँ पर? नहीं, ये तो पता नहीं है सर, लेकिन 4:30 बजे जाया करती थी और 6:30 बजे वापस आ जाया करती थी। गुरुवार को 2 घंटे सर, 4:30 से 6:30 बजे। मगर इस मानसी के पास तो खुद की गाड़ी थी नहीं, तो फिर या तो वो किसी टैक्सी से या फिर ऑटो से जाती होगी। सर, यहाँ पास में एक ऑटो स्टैंड है, शायद ये मानसी वहीं से ऑटो लेती होगी। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ये लड़की शायद हर गुरुवार को यहाँ से ऑटो लेती है। हाँ साहब, पिछले हफ्ते ये लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी। कहाँ पे छोड़ा था उसे? कनिकापुरी रोड, रास्ते में उतर गई। रास्ते में उतर गई? हाँ साहब, और पैदल चलने लगी। मैंने कहा भी आओ मैं छोड़ देता हूँ, तो कहने लगी तुम जाओ अपना काम करो। जब तक मैं यहाँ से गया नहीं ना था, वो वहीं पे खड़ी थी, एक ही जगह पे। इसका मतलब वो छाते नहीं थे, किसी को पता चले कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। रवि जी, वहाँ कनिकापुरी रोड पे कोई बाजार भी नहीं? वहाँ पे सिर्फ कुछ नए फ्लैट्स बन रहे हैं, कहीं वहाँ पे तो नहीं गए? अभिजीत, कनिकापुरी रोड पे और क्या है मालूम है? जेल है। और वहाँ हर गुरुवार को 5 से 6 के बीच में लोगों को कैदियों से मिलने दिया जाता है। तो मतलब ये मानसी, ये नकली मानसी वहाँ पे किसी कैदी से मिलने जाती है हर गुरुवार? ये तो बहन है जीतू की, हर गुरुवार को उससे मिलने आती है ये। ये जीतू कहीं वो माना हुआ गुंडा और मर्डरर तो नहीं जिसे 7 साल पहले एक एनकाउंटर में पकड़ा गया था? जी हाँ, ये वही है, और 7 साल से यहीं पर है। शायद एसीपी प्रद्युम्न भी थे उस एनकाउंटर में। इस एनकाउंटर में एक मौत भी हुई थी? जी, इसी जीतू के बाप को गोली लगी थी। रशीद, मेरे ख्याल से इसम साहब के दोस्त देव प्रकाश भी थे इस एनकाउंटर में, और हाँ, उन्हीं की गोली से जीतू के बाप की मौत हुई थी। कहीं ये नकली मानसी? हाँ देखा, मुझे लगता है ये अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए सब कर रही है। चाहिए मुझे इस तरह 8 बार जेल तोड़कर भाग चुका है ये। 8 बार? हाँ, ये सीरियल किलर है, इसे खून करने में मजा आता है, मगर फांसी से बचा हुआ है अभी तक। जरा समा
संभाल के जीतू, बहुत लोगों को मार चुका है, कहीं अगला नंबर तेरा ना हो। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप बीच बीच में हाँ हूँ करते रहना, ओके या बाय सर। हाँ, अब जी जीतू के लॉकअप में पहुँच गया है। गुड, बस अब सिर्फ मानसी के आने का इंतजार है। सर मैं बात सोच रहा था सर। फ्रेडरिक्स, अगर बात अच्छी है तो बताओ, नहीं तो सोचते रहो। नहीं बोलो बोलो बोलो, पेट में रहेगा तो पेट में दर्द होगा, बताओ। सर मैं कहना चाहता था सर कि अगर वो लड़की यहाँ पे नहीं आई तो फ्रेडरिक्स कुछ और करेंगे, रोता क्यों है? सर मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अगर वो लड़की यहाँ पे नहीं आई तो हमें किसी दूसरे प्लान के बारे में भी सोचना चाहिए ना सर। मानसी हर गुरुवार को यहाँ आती है, तो आज भी आती। हाँ सर, लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता था। अगर वो आ गई तो हम उसका चुपचाप पीछा करेंगे और असली मानसी और मिस्टर देव तक पहुंचेंगे, ठीक है? यस सर। दया, दया वो आ गई। अभिजीत तैयार रहना, मानसी आ गई है। ये कौन है? माना हुआ खूनी है, इसे देखते से डर लगता है। ये तुम्हें कुछ करेगा तो नहीं ना? कुछ कह नहीं सकते, ये कांस्टेबल आज हमें अकेला छोड़कर चला क्यों गया? जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है, दोनों के दोनों को मैंने पकड़ रखा है। सीआईडी को भनक तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि जिस नकली मानसी को वो लोग बचाना चाहते हैं वही असली मानसी और उसके बाप का खून करने वाली है। शाबाश मेरी बहना, शाबाश। यानी कि आज की रात हम अपने पिता की मौत का बदला उस देव प्रकाश से ले लेंगे। हाँ भैया, आज की रात मानसी और देव प्रकाश की आखिरी रात होगी। आइए आइए एसीपी साहब, तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है ना, वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, समझे? तुम सीआईडी वाले डायलॉग ज्यादा मारते हो। चलो चलो। अरे
नोटिस जारी करो। तो एसीपी साहब, कहाँ हैं आपके बाकी होनहार ऑफिसर्स? आपको बचाने आएंगे भी या नहीं? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम जैसे तो छोटे मोटे मच्छर हमेशा हमें काटने की कोशिश करते, समझे? अच्छा, तो हम लोग मच्छर हैं? वो भी बिना डंक वाले मच्छर। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। सुमित, जरा जाके देखो इनके चमचे कहाँ हैं। चल छोटू। ध्यान रखना, ये सीआईडी वाले हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ, कहीं से भी। के आने की आवाज है, अब कहां भागोगी? अरे रघु, तूने गोली की आवाज सुनी क्या? अब मैं बॉम्ब का टाइमर ऑन करने जा रही हूँ। अरे पागल लड़की, अगर तुम टाइमर ऑन करेगी तो खुद ही मर जाएगी। इतनी उल्लू नहीं हूँ मैं। मैंने बॉम्ब के टाइमर में 60 सेकंड यानी कि एक मिनट समय आगे रखा। बस मैंने ये बटन दबाया और मैं भागी यहाँ से। और फिर ठीक 60 सेकंड बाद ठम बॉम्ब फटा और बड़ा धमाका, फिर सब खत्म। देखो बेवकूफी मत करो। रस्सी खोलो। क्यों, अब पता चला गधा कैसा होता है? गए ना सबके सब ऊपर। ये ऊपर क्या होता है? हाँ? हमें ऊपर नहीं जाना है, जाना तो तुम्हें चाहिए। क्यों नकली मानसी? मैं इससे
बदला लेना चाहती थी, मारना चाहती थी इसे, लेकिन इसके पास हमेशा इतनी सिक्योरिटी रहती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। देव के पास नहीं पहुंच सकी तो देव की बेटी मानसी को अपना निशाना बनाया। हाँ, इसे किडनैप करके इसकी जगह लेना आसान था। देव प्रकाश जी, जब हम इस लड़की को लेकर आपके पास आए थे तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये नकली मानसी है? मैं सोच ही रहा था कि आप ये किस लड़की को लेकर आए, तभी ये आकर मुझसे लिपट गई और इसने मुझे धमकी दी। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो तुम्हारी बेटी की मौत हो जाएगी, उसे हमने किडनैप कर लिया। दरअसल मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं ये लोग मानसी को कुछ ना करें। फिर आप लोगों के जाने के बाद इन लोगों ने मुझे बहुत बहुत मारा और मुझसे कहा कि अपने गार्ड्स को बाहर भेज। हाँ तो बॉडीगार्ड जी, इतने सीनियर ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बॉडीगार्ड हूँ, जब हम उस पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। मुझे हाथ मत लगाना है? मैं इसका चचेरा भाई हूँ, हम दोनों ने मिल के इसकी प्लानिंग की थी। ओ, तो पूरी की पूरी फैमिली मिली हुई है। अबे गुरु घंटाल, इतना दिमाग किसी एग्जाम में लगाता तो लाइफ में कुछ बन जाता। अब दोनों के दोनों चलो जेल में, जीतू भी वहीं पर है, वहां जेल में बैठकर कोई नई स्कीम बना रहा है। सारी जिंदगी जेल में बिताना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.